हे, मेरा नाम है गौरव चोपड़ा और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ पर। देखते रहिए। आई वॉन्ट टू हैव सम टी। जब मुझे शूट नहीं होता है तो मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। अगर आप मेरे घर पे कभी आए तो जिस किस्म का म्यूजिक प्ले हो रहा हो, मतलब उस दिन मेरा वैसा मूड है। आई ऑल्सो लाइक टू वॉच अ लॉट ऑफ ऐसी फिल्म जिनके बारे में मुझे कुछ पता ना हो। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कोई एक ऐसी फिल्म देख ली जिसके बारे में मुझे कोई ओपिनियन नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो आई थिंक वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी तरीके से फिर टच करती है। मोस्टली फिल्म जब हम इंडस्ट्री में होते हैं, हमें फिल्म्स के बारे में पता होता है, तो हमारी ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन होती है। सो मेरे फ्री टाइम में म्यूजिक एंड फिल्म एंड बुक्स मायसेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी और से क्यों डरना। वो जो आपका एक हर इंसान के अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, तो जो मेरा बुरा पहलू है जिसे मैं बेहतर करने की कोशिश करता रहता हूँ हमेशा, मैं बस उसी से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बुरा पहलू और कम होता जाए और अच्छे पहलू को हम बढ़ाने की कोशिश करते रहें। आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। इफ़ आई कैन पुट अ जेन्युइन स्माइल ऑन समवन्स फेस, इट गिव्स मी हैप्पीनेस। कल अष्टमी थी और मैं मेरे घर के पास एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ नीचे कुछ गरीब बच्चे होते हैं, मैं अक्सर जाकर वहाँ उन्हें कुछ डोनेट करने चला जाता हूँ। तो कल कुछ अष्टमी थी और मेरी मम्मी दिल्ली में वो कंजकों को बुला के वो पूरी चीज़ किया करती थी, तो मैं उसे मिस कर रहा था क्योंकि अब मम्मी नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने बहुत सारे ऐसे खाने पीने की अच्छी चीज़ें मंगा ली, टॉफ़ीज़ और चॉकलेट्स और ड्रिंक्स और बिस्किट्स और ये सब, और मैं वहाँ चला गया। अब उन बच्चों को देखकर, मुझे देखकर उन्हें आदत हो गई, तो वो भागे भागे आए और उन्होंने खुद लाइन बना ली और वो खुद कह रहे थे लाइन बना लो ये अभी देंगे। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि वो कितने खुश हो रहे हैं, और एक्चुअली उससे ज़्यादा खुशी किसी और बात से। आई एम थैंकफुल फॉर द अपब्रिंगिंग दैट आई हैड। आई थिंक जो मेरी पैदाइश और जो मेरा बचपन बीता, जिस किस्म के पेरेंट्स मुझे मिले, जिस किस्म की वैल्यू सिस्टम, जिस किस्म की विजडम मुझे बचपन में ही मिल गई, और जिस किस्म के वैल्यू स्टैंडर्ड को मैं ज़िंदगी भर फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, वो सब उसी का नतीजा है। सो यस, आई एम ब्लेस्ड। मैं कहने वाला था कोई मुझे क्यों याद करेगा, पर अगर कोई याद करे तो सिर्फ इस बात से याद करे कि हाँ, एक ही लड़का था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था, पर जो भी करता था सच्चे दिल से करता था। ये पिछले 3 साल बीत गए बहुत सारे अलग अलग बॉडीज़ बनाने में, क्योंकि हर रोल के लिए अलग किस्म की बॉडी बनानी थी, और इनफैक्ट प्रिंस राणा नायडू के लिए तो एक ही शो में कम से कम 4 अलग बॉडी बनानी पड़ी, फ्लैशबैक के लिए अलग, किसी सीन के लिए अलग, किसी टाइप की सीक्वेंस के लिए अलग, और वो अलग अलग रूप दिखाने थे। तो अगले 6 महीने में अब मैं एक किस्म की बॉडी बनाना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ कभी डाइट बढ़ाना, कभी घटाना, कभी ट्रेनर से कुछ कहना। अगले 6 महीने में एक किस्म की बॉडी बनाएंगे और उस पर टिके रहेंगे। आई विल डांस जस्ट फॉर अ बेटर टुमारो। मैं ज़्यादा उम्मीदों का बोझ नहीं डालता खुद पर अगर आपका कल आज से बेहतर है तो अच्छा है। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने, ये तो अभी मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। एक वर्ड में मुश्किल है, मैं छोटे सेंटेंस में बता देता हूँ। आई एम जस्ट समबडी हु इज़ ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। ये वो बहुत अच्छा मौका है आप सबको थैंक यू कहने का, और नॉर्मली अवार्ड्स लेते वक्त या मैसेजेस का जवाब देते वक्त या इंस्टाग्राम पोस्ट में हम लोग ऐसे थैंक यू बोलते रहते हैं एज एक्टर्स, पर ये मैं जेन्युइनली दिल से कह रहा हूँ, बिकॉज ये सारे एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब नए नए रूप, ये सब नए नए कैरेक्टर्स, ये सब लेने का कुछ मतलब ही ना हो अगर आप लोग देखें नहीं या पसंद ना करें। सो ऑल ऑफ दिस इज़ डन जस्ट फॉर यू गाइज, जस्ट टू एंटरटेन यू, क्योंकि मेरा और आपका ये डील है कि आप मुझे ये प्यार देते रहेंगे और मैं आपको ये एंटरटेनमेंट देता रहूँगा। सो